फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको तवा नान की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिससे इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तवे पर नान बनाने के लिए मैंने ली है ये 2 कप मैदा, 1 चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, ये नॉर्मल सोडा है जो हम घरों में यूज करते हैं, और 1/2 चम्मच से कुछ ज्यादा बेकिंग पाउडर। जितना मैंने बेकिंग पाउडर लिया है उसका जस्ट हाफ मैंने सोडा लिया है। 1/2 चम्मच से कुछ ज्यादा मैंने सूखा यीस्ट लिया है। 2 बड़े चम्मच दही और 50 से 60 ग्राम दूध। नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने 1/4 छोटी चम्मच लिया है। और डो लगाने के लिए गुनगुना पानी। चलिए अब डो लगा लेते हैं। सबसे पहले हम ये मैदा को एक बड़े बर्तन में कर लेंगे और थोड़ी सी मैदा हम रोक कर चलेंगे जो हमें बाद में काम आएगी। इसी समय हम इसमें ये नमक डाल लेंगे, चीनी डाल लेंगे, आप चाहें तो पाउडर चीनी का यूज भी कर सकते हैं, ये सोडा, बेकिंग पाउडर, ड्राई यीस्ट, और इसी समय 1 छोटी चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इन सब चीजों को एकदम एक साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। और एक साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद में ये जो हमने दही लिया था ये डाल देंगे, दूध डाल देंगे और गुनगुना पानी से हम एक इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। पानी इसके लिए आप गुनगुना ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे हमारा यीस्ट और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे और हमारी नान बहुत अच्छी बनेगी। ये डो देखने में अभी काफी गीला लग रहा है। अब हम बिल्कुल 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा ना लें, सिर्फ 1 छोटी चम्मच, और इसे वापस से अच्छे से मलेंगे। और बस अब हमारा ये डो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे हम इसी तरीके से 10 मिनट के लिए रख देंगे और सिर्फ 10 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि ये डो हमारा एकदम तैयार हो गया है। अच्छे डो की पहचान यही है कि आप उसे इस तरीके से उंगली से दबाएं और वो फूल कर वापस आ जाए, और हमारा डो बिल्कुल इसी तरीके का है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट होने रख देंगे और इस बीच ये फूल कर करीब दुगना हो जाएगा। आटे को रखे हुए करीब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आटा हमारा फूल कर दुगना हो गया है। और इस तरीके से अगर हम आटे को खींचते हैं तो ये टूटेगा नहीं, ये अच्छे आटे की पहचान है। और अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे, और लोई के बनाने के लिए हम एक बड़े पराठे जितना इस तरीके से लोई तोड़ेंगे और इसे अंदर को इस तरीके से दबाते हुए जितनी बार आप दबा सकें, और बस ऐसे ही करते हुए हम इसकी लोई बनाएंगे और उसके बाद इसे गोल कर देंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और तवा भी हमारा गर्म है, और सूखे आटे में लपेट देंगे और हल्का सा झाड़ देंगे, हमें बहुत ज़्यादा मैदे की ज़रूरत नहीं है। और बस आप चाहें तो नान को गोल शेप में बेल सकते हैं या ओवल में, मैं इसे ओवल शेप में बेलने वाली हूँ। बस इस तरीके से करते हुए, और ये ओवल शेप में नान तैयार हो गई है। जिसे हम स्टफ पराठा रखते हैं हम इसे करीब उतना मोटा रखेंगे, इसे एकदम रोटी या पराठे की तरह हम पतला नहीं बेलेंगे। अगर आपने इसे ज़्यादा पतला बेल दिया तो नान अच्छी नहीं बनेगी। फिर हल्का सा पानी लगा देंगे जिससे कि तवे पे एक साइड अच्छे से चिपक सके, और बस इस तरीके से हाथ में उठा लेंगे। आप चाहें तो कलौंजी के बीज लगा सकते हैं। अगर आप गार्लिक नान बनाना चाहते हैं तो आप गार्लिक लगा सकते हैं। और बस हल्के हाथ से हम ये धनिया लगा देंगे, ये भी ऑप्शनल है। और उसके बाद हम एक नॉर्मल तवा लेंगे, इसके लिए आप नॉन स्टिक तवा ना लें, और जिस साइड हमने पानी लगाया था वो वाला साइड हम तवे पर इस तरीके से चिपका देंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। और मीडियम गर्म तवे पर, जैसे ही आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने लगे हैं, हम तवे को ही पलट देंगे और बाकी की रोटी हम गैस पर सेकेंगे।
और एक साइड जैसे ही बबल्स आने लगे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने लगे हैं। तब हम तवे को उल्टा करके बाकी की नान गैस पर सेकेंगे और बस इसी तरीके से पलटकर हम नान सेक लेंगे और बस इस तरीके से हम इसे घुमा घुमा कर हर तरफ से सेक लेंगे और देखिए हमारी एकदम परफेक्ट तंदूर जैसी नान बनकर तैयार हो गई है। और बस हल्के हाथ से हम इसे तवे पर से छुटा लेंगे और उतार देंगे और इसी तरीके से मैं बाकी की नान बना लूंगी। बस उसके बाद आप चाहें तो बटर या देसी घी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी एकदम टेस्टी तवा नान बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने टिप्स और ट्रिक्स दोनों वीडियो में अच्छे से समझा दी हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। एकदम आसान तरीके से और एकदम बढ़िया नान बनकर तैयार हो गई है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।